नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं समाज की नजर। आज हम इस समय मौजूद हैं सरोजनी कोल्ड स्टोर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत आता है, जीडी रोड लगा हुआ। और हमारे साथ कई यहां के व्यापारी लोग और यहां के मैनेजर साहब भी मौजूद हैं। यहां के जो कोल्ड स्टोर की निकासी करते हैं, बाबू भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, कितनी क्या निकासी हो चुकी है और क्या अभी का आलू का भाव है। कुछ आलू पे चर्चा भी करेंगे कि क्या आगे भविष्य रहने वाला। हालांकि भविष्य कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपना अपना सभी का अनुभव जो है इसमें राय लेंगे, क्या क्या सभी का अनुभव है। इन सब मुद्दों पे बात करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी क्या निकासी हुई है, इस पे अपडेट ले लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अच्छा, आपने कोल्ड स्टोर में कितनी निकासी हो चुकी है अभी तक? 25,000। 25,000 पूरी कैपेसिटी कितनी है? 170। अच्छा, आलू के भाव में अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो आलू है किसमें, कौन सा भाव है उसका? कौन सा आइलैंड? आइलैंड आलू क्या क्या भाव है उसका? 450। 450 रुपए। और हमारे साथ पैकेट पे हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, जो कि बहुत अनुभवी व्यापारी हैं। इनसे हम बात करेंगे आलू के भाव पे और आलू के थोड़ी भविष्य पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्या इनकी राय है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जय रहे। सर, जानना चाहेंगे कि जो आलू का भाव है, वो सभी आलू का भाव हम जानना चाहेंगे, तो जो अपने यहाँ सबसे अच्छा जो भाव है, कौन से आलू का अच्छा भाव है? हाईलैंड का भाव है इस समय 450, 450 जी। सफेद हाइब्रिड का 250 से 350, सिंदूरी का रेट है 300 से 350 तक, और अन्य जो आलू हैं जिस क्वालिटी के। अपने यहाँ सर चिप्सोना आलू नहीं, चिप्सोना अपने गोल्ड में नहीं रखा जाता है। चिप्सोना नहीं रखा जाता। अच्छा, चिप्सोना आलू का भाव क्या चल रहा होगा? 450 से 500 तक, 450 शुगर फ्री। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे पिछले कुछ दिनों से आलू के भाव में कुछ उछाल देखने को मिली है, गिरावट? हाँ, उछाल मिली है पिछले महीने से, इस महीने में उछाल मिली है, और इसी तरीके से निकासी होती रही तो आलू फंसने की संभावना नहीं है। अच्छा सर, किसानों का कहीं ना कहीं, कई किसान ऐसे हैं वो लोग अभी अपना मूड बना के बैठे हैं कि हम आगे आने वाले समय में आलू की निकासी करेंगे, अभी कोल्ड में पड़ रहे हैं, ऐसे किसानों के लिए क्या? अगर निकासी कम होती है तो आलू फंसने का डर है, बाजार टूट सकती है, और अगर इसी तरीके से निकलता रहा तो आलू फंसने की संभावना नहीं। आलू फंसने का? अच्छा सर, आपने कुछ आज आलू लिया है कोई? हाँ लिया है, 450 रुपए में लिया है। कौन सा आलू? हाईलैंड। हाईलैंड आलू सफेद 300 में लिया है, चिप्सोना। अच्छा, तो सर जैसे अब एवरीडे दिन पे दिन क्या बढ़ोतरी होती जा रही निकासी में? नहीं, निकासी की तेजी है इस महीने में, जिस हिसाब से निकलना बराबर डाउन नहीं हुई। तो जो किसान जो अभी आलू अभी नहीं बेचना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मतलब कि कई किसान वो देखिए उसमें नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, फायदे की कम। जैसे कि किसी किसान के 1,000 पैकेट अगर कोल्ड में पड़ा है, कितना उसको बेच लेना चाहिए? तो उसको इस समय 50% बेचना चाहिए। 50% बेचना भाव अच्छा है, पैसा मिल रहा है।